मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र छिपानेर रानीपुरा चोरसा खेड़ी गांव का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामा अभी जिंदा है। बाढ़ से प्रभावित सभी की मदद की जाएगी। जिनका मकान बाढ़ के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें 1,00,000 रूपये व मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाएगी। जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें भी सहायता राशि देने के लिए जल्द से जल्द अलग सर्वे किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने जिला कलेक्टर को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रभावित का नाम नहीं छूटना चाहिए। बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल 50 किलो गेहूं व 5 लीटर केरोसिन दिया जाए ताकि कोई भूखा नहीं सोए। रानीपुरा में कार्यक्रम स्थल के पास के खेत में बकरियां चर रही थी, जिस पर निगाहें पड़ते ही सीएम ने कहा कि सोयाबीन के खेतों में बकरियां चर रही है, किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों को फसल का बीमा व मुआवजा राशि दी जाएगी और आगामी तारीखों में 46 करोड़ रूपए किसानों के खातों में डाले जाएंगे। फिर पानी की व्यवस्था जो सप्लाई वाली चालू हो गई है, सप्लाई वाली वो कहते हैं क्या, ताकि शुद्ध पानी मिल जाए। आपका आशीर्वाद है, ये सड़कें, ये पीने का पानी सब आपके आशीर्वाद से हुआ, जो मुसीबत के समय काम आता है। और अब लक्ष्य है कि किसी का मकान कच्चा था टूट गया हो तो 1,00,000 रुपया तो सीधे अलग से देंगे और उसके साथ साथ मनरेगा का पैसा मिला के उसका मकान खड़ा करवाएंगे। आंशिक क्षति का पैसा अलग देंगे, बर्तन भांडे कपड़े लत्ते भीगे उनका अलग देंगे, मवेशी का नुकसान अगर कुछ हुआ तो उसका भी देंगे, और खेतों में जो नुकसान हुआ फसल पूरी बर्बाद है 100% इसकी राहत की राशि भी दूंगा। और फसल बीमा की तारीख बढ़वा के मैंने अब तक ले आया है, वो फसल बीमा का भी पैसा दिलवा के आपके नुकसान की भरपाई करवा दूंगा।